फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स विद जिया। आई होप यू ऑल आर गोइंग गुड। फ्रेंड्स आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जो कमर में दर्द होता है, नीचे के हिस्से में दर्द होता है या आपको प्रॉपरली कमर में ही दर्द होता है, उसके जो सॉल्यूशन है, आसान से उपाय आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में, जिससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको जो ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो इसके लिए आपको जो नुस्खे हैं मैंने बताए हैं, वो आपके किचन में ही अवेलेबल होंगी सारी चीजें। उसके लिए आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। किस रीजन से आपको ये दर्द होता है, कमर का दर्द, और इसके जो दूर करने के उपाय हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स कमर दर्द का जो प्रॉब्लम है वो आजकल ये ही नहीं है सिर्फ बुजुर्गों या बड़ों में हो, आजकल बच्चों में भी हो जाती है और यंगस्टर्स में भी हो जाती है। ये प्रॉब्लम आजकल हर किसी को देखने को मिल जाती है और बहुत ही कॉमन हो गई है ये वाली प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स कमर दर्द जो होता है, एक तो हमारे जस्ट हिप से ऊपर कमर पे दर्द होता है, एक बिल्कुल हिप के पास जो हमारे नीचे दर्द होता है, दो तरीके से हमारे कमर दर्द होता है और दोनों का ही उपाय मैं बताऊंगी, दोनों के ही रीजन मैं बताऊंगी कि किस वजह से ये दर्द होता है और इसका उपाय क्या है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो छोटा सा बेल बटन है उसे दबाइएगा ताकि जो मेरे हेल्थ से और ब्यूटी से रिलेटेड जो नए वीडियोस आते रहें उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपको उनका बेनिफिट मिलता रहे। आते हैं नुस्खों की तरफ जो हमारे कमर दर्द के लिए किस तरीके से उपयोगी है और कारण क्या है कमर दर्द का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कमर दर्द के कारण क्या है। कमर में दर्द के कारण बहुत ही नॉर्मल से भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा सीटिंग करते हैं, जैसे कई लोगों का ऑफिस में ऐसा जॉब होता है कि सुबह से रात तक उनको सीटिंग देनी पड़ती है, तो उससे भी आपका कमर में दर्द हो जाता है। और आप एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं या आपने कई बार कुछ वजन उठा लिया, झटके से हो जाता है। आपका वेट बहुत ज्यादा है, उस वजह से भी कमर में दर्द हो सकता है, या फिर आपने कोई कुछ गलत ऐसे एक्सरसाइज कर ली, उस वजह से भी हो सकता है कमर में दर्द। और फ्रेंड्स जैसे महिलाओं में, लेडीज में क्या होता है, डिलीवरी के बाद भी क्या होता है, कोई भी सर्जरी हो, कई बार डिलीवरी के बाद जैसे होता है उससे भी कमर में दर्द हो जाता है। कई बार कुछ लोगों को अदर सर्जरीज के बाद भी कमर में दर्द हो जाता है। कई लोगों को बहुत ज्यादा सर्जरी के बाद रेस्ट करने के लिए कहा जाता है, जिससे कि बेड पर अगर वो महीना दो महीना लेटे रहते हैं उससे भी कमर में दर्द हो जाता है। बहुत सारी रीजन होते हैं कमर में दर्द होने के। तो फ्रेंड्स ये जो कारण है कमर में दर्द होने के, इनमें से अगर कोई भी कारण से आपको कमर में दर्द हो गया, जैसे हमारे नॉर्मल कमर में दर्द हो गया, एक कमर के नीचे बिल्कुल हिप से थोड़ा सा ऊपर जिसे टेल बोन कहते हैं, अगर हमें वहां दर्द होता है, बोन का पेन होता है, उसको कॉक्सीडाइनिया कहते हैं। उसका पेन फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों में होता है आजकल ये पेन, या तो उस जगह हमारे सिटिंग की वजह से दर्द हुआ है, या फिर आप हम चेक करवा कर ये पता लगा सकते हैं कि वहां पर फोड़ा फुंसी तो नहीं है। अगर आपको कोई वहां पर घाव है या फोड़ा फुंसी है तो उसका उपचार आप डॉक्टर से लेंगे। अगर आपको सीटिंग की वजह से या किसी बहुत ज्यादा एक ही जगह पर एक ही पोस्चर में बैठे रहने से टेल बोन में पेन हुआ है, कॉक्सीडाइनिया है, इसको कॉक्सीडाइनिया कहते हैं, तो उसके लिए आप एक कुशन आता है, स्पेशली एक कुशन आता है। सबसे पहले तो आपको इसका रीजन पताना लगाना होगा कि अगर आपको बैठने से हुआ है, ये ज्यादा सीटिंग देने से हुआ है, तो आप इसमें कॉक्सिक कुशन्स आते हैं। आपको ये कॉक्सिक कुशन्स जो है वो कहीं भी मार्केट में मिल जाएंगे इसी नाम से, अगर आप टेल बोन का पेन बोल करके लेते हैं, या ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। ये आप इस कुशन का यूज करिए अपने जो ऑफिस की चेयर उस पर, कार में अगर आप ड्राइव करते हैं उस टाइम पर, और घर पर भी अगर आप बैठते हैं तो उस पर। आपको इस कुशन को यूज करने से, जिसे सेकंड कुशन भी कहते हैं, इस कुशन को यूज करने से ही आपको टेल बोन के जो पेन है उसमें काफी रिलीफ होगा। अगर आपको ये सिटिंग की वजह से है या आप एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठे रहते हैं उस वजह से है, तो जो हिप से थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा, अगर वहां पर अगर आपको पेन है या कमर में भी दर्द है ऊपर, थोड़ा ऊपरी हिप से पर, तो उसको ये आपको क्या करना है, नमक और पानी, गर्म पानी लेना है, उसमें आपको नमक मिला लेना है 2 चम्मच। अगर आपके पास हॉट बैग है, हॉट बैग मार्केट में मिलता है, उसमें आप इसको भर लीजिए और कमर पर उसकी सिकाई करिए, टेल बोन पर उसकी सिकाई करिए। या फिर आपको क्या करना है,
नमक लेना है और एक पतीले में उसको गरम कर लेना है। पहले जमाने में फ्रेंड्स क्या करते थे, जो बजरी आती है, एक तरह की मिट्टी होती है, बजरी आती है, जैसे आजकल हमारे कंस्ट्रक्शन चलते हैं उसमें बजरी का यूज होता है, तो उसको गरम करके पतीले में और एक कॉटन के पतले कपड़े में उसको बांध लेते थे, पोटली बनाकर उसको उस एरिया पर रखते थे धीरे धीरे। तो जहां भी आपको कमर में दर्द है, टेल बोन में पेन है, उससे आपको इंस्टेंट रिलीफ होगा, आप इसे कर कर देखिएगा। लेकिन अगर आपके पास बजरी अवेलेबल नहीं है, आजकल बजरी अवेलेबल होती नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, सॉल्ट जो होता है, नमक होता है हमारे घर में अवेलेबल, उसको हम एक पतीले में थोड़ा गर्म कर लेंगे डाल करके। अच्छा खासा मात्रा में नमक लेना है आपको, 1 से 2 कटोरी भर करके उसको गर्म कर लिया और कॉटन के पतले कपड़े में आप उसे बांध लेंगे और उससे आप उस एरिया पर बैक की सिकाई करेंगे जो आपको कमर में दर्द है। तो इस तरीके से आपको जो कैसा भी दर्द है कमर का, उसमें रिलीफ हो। आपको क्या करना है, हॉट बेक में ये पानी नमक का भर के उससे सिकाई कर लेनी है। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, गर्म पानी में 2 चम्मच नमक डाल करके एक टावल लेना है, नैपकिन, उसमें इसको डिप करना है और उस जगह पर थोड़ा सा इसको निचोड़ के कमर पर आपको सिकाई करनी है बैक पर। तो आप इनमें से कुछ भी चीज यूज करके ये सिकाई कर सकते हैं, तो उससे आपको कमर का दर्द में बहुत इंस्टेंट रिलीफ होगा। अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, तो आपको इससे बहुत फायदा होगा। अब चलते हैं सेकेंड उसकी तरफ। अगर फ्रेंड्स, मैंने आपको टेल बोन के लिए बताया कि आपको सेकल कुशन का यूज करना है, सेकल कुशन से आपको बहुत जल्दी रिलीफ होगा, लेकिन साथ में आप कुछ एक्सरसाइज करेंगे, चलना फिरना, चलने फिरने की, मॉर्निंग व्यायाम और सीधा लेटने की। और आपको क्या करना है, सीधा लेटते टाइम जो अपने जो घुटने हैं उनके नीचे एक मोटा तकिया रख लेना है। क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारी जो कमर होती है ना, उसको नीचे घुटनों के हम वो लगते हैं, तो वो थोड़ा हवा में इस तरीके से हवा लगती है, उस पर प्रेशर कम आता है, तो इससे भी आपको जो कमर में दर्द है उससे रिलीफ होगा। सेकल कुशन का भी यही यूज होता है, जब आप उस पर बैठते हैं तो हमारे हिप्स पर प्रेशर आता है, हमारी बोन पर प्रेशर नहीं आता, वो थोड़ा हवा में झूलती है, तो इस वजह से आपको बैक पेन में रिलीफ हो जाता है, यही उसका यूज होता है। तो आप और घुटनों के नीचे जो मैंने बताया मोटा पिलो रख करके आप सोएंगे उस पोस्चर में, तो भी आपको कमर में दर्द में रिलीफ होगा। और जो मैंने नमक पानी का नुस्खा बताया है, नमक का यूज करके आप सिकाई करेंगे, उससे भी आपको कमर दर्द में 100% रिलीफ होगा। ये बहुत ही छोटी छोटी नुस्खे हैं, लेकिन बहुत ही यूजफुल है। अगला उपाय आपको क्या करना है, अगर आपको कमर में दर्द है तो सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल आपने 1 कटोरी ले लिया और उसमें आपको 5 से 6 लहसुन अच्छे से उसको जला लेनी है, मतलब इतनी कि वो थोड़ी हल्की ब्राउन हो जाए, इतना उसको जला लेना है। ठंडा करेंगे आप उसको और जो हल्का गुनगुना होगा उससे उस एरिया पर आप मालिश करेंगे, इससे भी आपको कमर दर्द में बहुत ही फायदा होगा। बहुत रगड़ना नहीं है आपको, हल्के हाथों से उस जगह पर मालिश करनी है आपको बैक पर, अगर बैक के नीचे एरिया में आपको दर्द है तो उस जगह पर, इससे भी है आपको बैक पेन में जरूर रिलीफ होगा। अगला जो उपाय है, सरसों के तेल में आपको अजवाइन डाल लिया आपने और उसको गर्म कर लिया अच्छे से, और उसके बाद हल्का गुनगुना उस तेल को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब आपको यूज करना हल्का गुनगुना आपने किया और उससे उसकी मालिश करी, रात को आप करके सोएंगे तो आपको धीरे धीरे इस प्रॉब्लम से रिलीफ होने लगेगा और बहुत ही जल्दी पूरा रिलीफ हो जाएगा। अगला जो उपाय मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, उसमें आपको क्या करना है, 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल ले लिया आपने, फिर आपको 20 ग्राम उसमें मिला लेनी है कपूर। कपूर आपने उसमें मिला ली, जब वो पूरी तरीके से उसमें घुल जाए कपूर, उसके बाद आपको ये तेल स्टोर करके रख लेना है। आप हफ्ते भर के लिए स्टोर कर लीजिए, 15 दिन के लिए स्टोर कर लीजिए, इसको कोई इसमें खराबी नहीं होती है। उस एरिया पर जो आपका बैक बैक में जहाँ पेन है उस पर अच्छे से मालिश करिए, इससे भी आपको जो पुराना से पुराना अगर कमर का दर्द है तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। फ्रेंड्स ये तो थी लगाने के नुस्खे, अब मैं आपको खाने के नुस्खे बताती हूँ। खाने के नुस्खे में आपको क्या करना है, सौंठ का पाउडर लेना है 1/4 स्पून। जो अदरक होती है उसका ही जो ड्राई जो वर्जन होता है उसको हम सौंठ कहते हैं, तो उसको आपको क्या करना है, सौंठ का पाउडर आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पर आराम से मिल जाएगा, 1/4 स्पून लेना है। और मेथी पाउडर आपको 1 चम्मच लेना है, 1 चम्मच मेथी पाउडर और 1/4 स्पून सौंठ का पाउडर आपको लेना है। दोनों को मिक्स कर लेना है और सुबह
पानी के साथ इसे आपको खाना है। आप इसे मुंह में डालेंगे और ऊपर से पानी पी लेंगे। गुनगुना पीते तो ठीक है, ठंडा पीते तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आप इसे लेंगे, आप इसे हफ्ते भर करके देखिए फ्रेंड्स। अगर आपके घुटनों में दर्द है, कमर में कैसा भी दर्द है, आपको 100% इसको रिलीफ होगा। ये हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है, आप इसे लेकर देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। आप एक गिलास गर्म पानी कर लेंगे, अच्छे से उसको उबाल लेंगे तो वो रह जाएगा आधा पौना गिलास। उसमें आपको 1/4 स्पून डालना है सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर आप इसमें डालेंगे और थोड़ी सी डालेंगे इसमें मेथी पाउडर, या 1/4 स्पून मेथी पाउडर या साबुत मेथी, उसको भी इसी में उबाल लेंगे। इसको उबाल करके आप आधा पौना गिलास रह जाए तो छान लेंगे और इस पानी को उठकर आप सुबह सेवन करेंगे तो फ्रेंड इससे भी आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। अगर आप सौंठ का पाउडर इसमें नहीं डालना चाहते तो सिर्फ मेथी का पाउडर या मेथी डाल करके आधा चम्मच आप इसे उबाल लेंगे और इस काढ़ी का सेवन करेंगे सुबह को। इस पानी का हल्का गुनगुना लेना है आपको, पहले अच्छे से उबाल लेना है, फिर उसको ठंडा करके हल्का गुनगुना कर लेंगे आप और उसका सेवन करेंगे कुछ दिनों तक। तो आप देखेंगे 10 से 15 दिन में ही आपको कैसा भी कमर का दर्द है इससे बहुत ही रिलीफ होगा। और फ्रेंड्स आपको जो अगला उपाय करना है वो है अजवाइन। अजवाइन को आप ले लेंगे, 1 से 1.25 चम्मच आपने अजवाइन ले ली, उसको तवे पर सेक लिया आपने। सेकने के बाद उसको हल्का सा भुना हुआ हो जाएगा, उसे निकाल लेंगे आप प्लेट में और थोड़ा सा ठंडा होने पर उसे हाथ से अच्छे से मसल लेंगे और उसको आप सुबह को लेंगे पानी के साथ। आप कुछ दिन तक इस उपाय को करके देखेंगे, अजवाइन के उपाय को, तो आपको आपकी जो बैक पेन है उसमें रिलीफ होगा। तो फ्रेंड्स कुछ ही आसान से नुस्खे हैं जिससे आपको जो आपके बैक पेन है उसमें रिलीफ होगा। और कई लोग बहुत ज़्यादा जूझते हैं और बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। तो फ्रेंड्स छोटे मोटे जो घरेलू नुस्खे हैं अगर हम उनका यूज़ करते हैं तो हमें डेफिनेटली फ़ायदा होता है। और मैंने आपको बताया है जो नमक और पानी का जो नुस्खा मैंने बताया है, नमक का सिखाई, ये इंस्टेंट रिलीफ देगा आपको कैसा भी आपको बैक पेन है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा पेन है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो फ्रेंड्स आप अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो वो आपकी जो उसकी जांच कराएंगे। अगर आपको वहां पर कोई ज्यादा फोड़ा फुंसी या घाव है या किसी तरह का और रीजन है तो उसमें आपको वो इंजेक्शन भी दे सकते हैं इमीडिएट रिलीफ के लिए। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे और उसके बाद वो आपको उपचार देंगे। अगर आपको नॉर्मली इस तरीके से पेन है और आप कुछ दिन तक घरेलू उपचार करते हैं, घरेलू उपचार का भी फ्रेंड्स टाइम पीरियड मैं बता रही हूँ आपको, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, इसके बाद अगर आपको इन नुस्खों से कोई रिलीफ नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और ट्रीटमेंट ले लीजिए। होप फ्रेंड्स जो मेरे जो बताए नुस्खे हैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। और अगर आपको ये इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको आपकी ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो आप इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नए DIY के साथ, नए ब्यूटी टिप्स के साथ, नए हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।